माँ के दूध का कर्ज या माँ के दूध का हक अदा करने वाला आज तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, ना कभी जिंदगी में होगा। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, किसी भी स्टेज पर जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन माँ से मुंह मोड़कर या माँ से नाराज होकर ना आप कभी खुश नहीं रह सकते। आजमा लीजिएगा जिंदगी में ये बात मेरा, ठीक है? तो माँ या पापा जितने भी बूढ़े हो जाए, मान लो अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब उनको उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग मेरे पास है। कभी ये दिमाग में कभी भी ये चीज़ आए ना, तो एक बार अपने बचपन को याद करिएगा, ठीक है? और दूसरी बात, अपने बुढ़ापा को, सच्चाई आपके आंखों के पास आ जाएगी कि आपको करना क्या है। क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा कि एक बात और, कल के हालांकि मैंने कल सुबह वाले करंट अफेयर के 4:30 बजे वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ कि रात को 11:30 बजे वाला क्लास जो है वो आज से स्टार्ट रहेगा। और आज ही आपको त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है वो मिलने वाला है, ठीक है? तो और हाँ, मैंने बोला है ना त्रिकोणमिति जिससे आप डरते हैं, आप बोलेंगे भैया कब क्लास खत्म हुआ, कब समझ में आ गया, पता ही नहीं चला। और हाँ, पार्ट पार्ट कर वीडियो आएगा, क्योंकि A to Z पूरा चीज आपको सिखाना है, जिससे आप इतने दिन से भाग रहे थे वो सब कुछ सिखाना है। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के घंटे को आप दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो हर वीडियो का मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो आप हमारे चैनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है आप अपने फ़ोन के ऊपर दे सकते हैं। हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट स्पीच टेस्ट बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, किसी भी एग्ज़ाम का। अगर वहाँ से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल तक आने वाले हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप तैयारी कर कैसे रहे हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। जाफर सरफराज, जिनका हाल ही में COVID-19 यानी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, वो किस देश के लिए क्रिकेट खेला करते थे? आप सभी को पता है कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से हर एक देश पर अपनी छाप जो है वो छोड़ चुका है। और बड़े बड़े आप ये मत सोचो कि आप ही बहुत समझदार हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप एग्जांपल देख लो, जर्मनी के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर लिया। बड़े बड़े जिनके पास पैसा की कोई कमी नहीं है वो भी इसके चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो रही है। डॉक्टर जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान है हेल्थ केयर के मामले में, उनकी मृत्यु हो रही है, वो भी इनके चपेट में आ रहे हैं। तो अपने आप को ज्यादा पहले तो होशियार आप समझिए मत। जो सरकार निर्देश दे रही है, जो जो आप कर सकते हो इससे बचने के लिए वो आप करिए, ठीक है? तो जाफर सरफराज जिनका निधन हुआ है, जो एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। कहां के? पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर आपका D। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितने गरीब यानी कितने गरीब देशों को COVID-19 महामारी से लड़ने और उनका सामना करने में मदद करने के लिए तत्काल लोन राहत की घोषणा की है? तो ऐसे कितने गरीब देश है जिनका सहायता जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करने जा रहा है? तो वो देश की संख्या है आपका 25 ऐसे गरीब देश की संख्या है जो जिसकी सहायता जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो करेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 के प्रकोप से निपटने के लिए डायग्नोस्टिक्स से लेकर नवीनी तकनीकों को शामिल करने वाले विषय यानी जितने भी सब्जेक्ट है उस पर सहयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च साइंस की पहल का नाम क्या है, आपको वो बताना है। और नाम दिया गया है आपका कोविड ज्ञान, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला प्रश्न हमारे सामने, 4 भारतीय और अमेरिकी को 2020 का गगनयान फेलोशिप सम्मानित किया गया है। अब आपको ये बताना है जो ये फेलोशिप है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रदान की जाती है। एग्जाम में काफी बार आपसे पूछा जाएगा, एक्चुअल में आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल मान लो ग्रैमी अवार्ड्स,
ये ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आपके आपका आंसर क्या होता है, संगीत से जुड़ा हुआ है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि जो गगनयान जो फेलोशिप अवार्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है कला यानी आर्ट से। और एक जानकारी के लिए आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, इस अवार्ड्स के लिए ना 3000 लोगों में से 3000 काबिल लोगों में से 173 लोगों को जो है वो चुना गया है, ठीक है। उसमें से 4 जो है वो भारतीय भी हैं, उनका नाम भी आप लिस्ट में देख लेना। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा उस व्यक्ति का नाम बताइए जो जिनको इस बार 2020 का गुगनहम अवार्ड नहीं मिला है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो 4 व्यक्ति का नाम भी एक बार आप सभी अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एमराल्ड सेज इन्वेस्टमेंट द्वारा अपोलो टायर्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को मंजूरी दे दी है, और 9.93% यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा नेवल एयर स्टेशन 24 घंटे काम कर रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेना, कौन सा नेवल एयर स्टेशन है जो 24 घंटे काम कर रहा है इस COVID-19 के समय, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विजाग जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विजाग में संयुक्त उपयोगकर्ता एयरफील्ड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी जो है वो चालू रहे, तो आपको बताना है वो कौन सा है, तो वो है आपका INS देगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है वो यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को पता है जो विजाग है कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, वहां के राज्यपाल का नाम और वहां का राजधानी क्या है, ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिट इंडिया ने किस संस्थान के साथ स्कूल के छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र आयोजित करने के लिए भागीदारी यानी डील या फिर बोल सकते हो पार्टनरशिप किया है, तो फिट इंडिया ने जो है वो CBSE बोर्ड के साथ डील साइन किया है, ताकि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको पहली बार लाइव फिटनेस सत्र जो है उसका पूरा लाभ मिल सके। और आपको पता है COVID-19 जो महामारी फैला हुआ है, इस समय फिटनेस के ऊपर कितना ध्यान देना है, कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, या किसे नियुक्त किया गया है, या फिर किसे अपॉइंटेड किया गया है, उनका नाम बताना है। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो MD और CEO बनाया गया है उनका नाम क्या, विनीत अरोरा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात आप सभी को पता है ना, ये तो बात हो गई आपके पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का, अगर मैं बात करूं पेटीएम का चेयरपर्सन कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, विजय शेखर शर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार बन चुका है कि पेटीएम के चेयरपर्सन का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, विजय शेखर शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के बाद क्लास 6 से 9 और 11 तक के सभी छात्रों को परिवर्तन देने का फैसला किया है, कहने का मतलब है आप सभी को पता है COVID-19 जो है वो अपना प्रकोप बुरी तरह से छोड़ रहा है हर एक कंट्री में, राज्य की तो बात छोड़ दो आप सभी, तो यहां पर क्या हुआ है कि एक ऐसा राज्य है ना जहां पर आप समझते हैं टीचर को अभी स्कूल जाना, कॉपी चेक करना, एग्जामिनेशन पेपर वगैरह बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कहीं ना कहीं सेशन भी है वो लेट हो रहा है, तो कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि क्लास 6 से 9 से और 11 तक के सभी छात्रों को जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी बिना एग्जाम दिए, और एग्जाम दिए भी हैं तो कॉपी चेक नहीं होगा, उनको डायरेक्ट जो है वो अगले क्लास में जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यह फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करूं यहां तक तो सभी को पता है आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, और मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर COVID-19
लोगों के लिए प्रोफाइलिंग के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया है। तो एयरटेल जो है वो अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर ऑप्शन नंबर आपका बी, और एयरटेल के CEO कौन है, गोपाल विट्टल, ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नहीं, ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 अप्रैल का, और इसका पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात, 11:30 बजे आज इंतजार करूंगा आप सभी का लाइव क्लास में, ठीक है। और एक बात, त्रिकोणमिति का पहला पार्ट का वीडियो भी आज चैनल पर आने वाला है। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के फोन पर चला जाए। अगर बाय चांस कभी कभार नहीं जाता है, फिर भी मैं बोल देता हूं, टेलीग्राम से आप सभी जुड़े रहिएगा ताकि नोटिफिकेशन परफेक्ट मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फोन में टेलीग्राम है तो क्या करना है, सर्च मारना है सक्सेस की 98। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।